हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैरी गोल्ड क्लास 5 यूनिट 1 आइसक्रीम मैन। रीड एंड एंजॉय। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने में बहुत ही ठंडी, मीठी और क्रीमी और बहुत ही अच्छी होती है? एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, इज एन आइसक्रीम। सबकी फेवरेट ट्रीट है, स्पेशली जब समर के दिन होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं तब, और वो है आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और जो आइसक्रीम वाला होता है वो शायद सबका फेवरेट पर्सन होता है इन दिनों में, राइट? तो अब हम ये पोएम रीड करेंगे और लर्न करेंगे। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिंग्स अ ब्लेज ऑफ हीट। जब गर्मियों के दिन होते हैं शहर में, तब जो वहाँ की दीवारों में जो ब्रिक्स यानी कि ईंटें होती है वो आग जैसी गर्मी फैलाते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटल कार्ट goes trundling down the street। और जो आइसक्रीम वाला होता है वो अपने छोटी गाड़ी के साथ, कार्ट यानी कि जो गड्डी होती है उसकी, उसे कार्ट कहते हैं, वो अपनी छोटी सी कार्ट के साथ आता है। goes trundling down the street, और वो अपनी trundling यानी कि जो वो अपनी कार्ट लेके आता है और वो मूव करता है, तब जो साउंड आता है ना, जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ के साथ सड़कों पर घूमता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight! Beneath यानी कि उसके नीचे, जो उसकी गोल umbrella है उसके नीचे, oh what a wonderful sight! कितना अद्भुत नज़ारा होता है। To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, और वो जो कोन में जो आइसक्रीम स्कूप के ज़रिए जो आइसक्रीम डालता है, जो ठंडी ठंडी ब्राउन कलर की और वाइट कलर की होती है, वो आइसक्रीम डालता है, वो नज़ारा दिखना कितना अद्भुत होता है, कितना जॉयफुल होता है, कितना आनंददायी होता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक। और उसके कार्ट में वनीला फ्लेवर की, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम होती है और उसके साथ चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक और ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, और उसकी जो बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है बहुत ही ठंडी और फीजी होती है, जिसमें कोई ठंडी चीज़ अगर आप फ्रिज में पड़ी हो तो वो कैसा धुआं छोड़ती है, फीजी होती है, उसको फीज बोलते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और ये जो सारी बोतल है उसका कलर ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक है। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, और ये जो राइटर है वो आइसक्रीम मैन का, मैन के कार्ट को एक फ्लावर बेड के साथ कंपेयर करता है, यानी कि ये जो कार्ट है वो शायद फूलों का बिस्तर है जिस पर रोज और स्वीट पीस लगे हुए हैं, यानी कि मीठे मटर जो है उससे बना हुआ होगा शायद, क्योंकि द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, क्योंकि जो ये बच्चों का क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि झुंड, एक साथ जो बच्चे हैं वो उसके जो कार्ट के साथ हनी बीज की तरह, मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास चिपक जाते हैं। इसीलिए जो हमारा राइटर है वो कहता है कि ये जो आइसक्रीम वाले का कार्ट है वो शायद फ्लावर बेड है, क्योंकि जो मधुमक्खी की तरह जो बच्चे हैं वो उससे चिपक जाते हैं। न्यू वर्ड्स, ब्लेज यानी कि ब्राइट फ्लेम और फायर, ब्लेज यानी कि जो बहुत ही गर्मी और जो जलाने वाली गर्मी होती है उसको बोलते हैं ट्रंडलिंग, यानी कि मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड
व्हील, वो जो आइसक्रीम वाला है, वो जो अपनी गड्डी को कार्ट को जो मूव करता है व्हील के साथ और जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं माउंड्स, यानी कि हिप और पाइल्स, यानी कि जो आइसक्रीम स्कूप होता है उसको बोलते हैं फ्रोस्टी फीज, यानी कि चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड, यानी कि जो ठंडी ड्रिंक्स जो होती है उसके साथ जो आवाज़ आती है बबलिंग वाला जो साउंड आता है उसको फ्रोस्टी फीज कहते हैं। क्लस्टर यानी कि गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक साथ इकट्ठा होना या फिर जो सेम थिंग्स का जो ग्रुप होता है एक ही साथ, एक साथ जो लोग इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं। अब हम यूनिट वन आइसक्रीम मैन की एक्सरसाइज लर्न करेंगे। क्वेश्चन वन, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन सी सीजन में आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर होता है? तो इसका आंसर है आइसक्रीम इज पॉपुलर इन द समर सीजन, जो आइसक्रीम है वो गर्मियों के सीजन में पॉपुलर होता है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज एवरी वंस फेवरेट पर्सन इन समर, गर्मियों के दिन में कौन सा पर्सन है जो सबका फेवरेट होता है, सबका चहेता होता है? आंसर, द आइसक्रीम मैन इज एवरी वंस फेवरेट पर्सन इन समर, जो आइसक्रीम वाला होता है वो गर्मियों के दिनों में सबका फेवरेट पर्सन होता है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन के बारे में कुछ लिखो। आंसर, द आइसक्रीम मैन कम विथ हिज लिटल कार्ट, जो आइसक्रीम वाला होता है वो अपनी छोटी कार्ट के साथ आता है। ही ब्रिंग्स आइसक्रीम इन डिफरेंट फ्लेवर्स, और वो उसके साथ बहुत ही अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता है। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज अ जॉयफुल साइट, कौन सा नज़ारा सबसे आनंददायी है? आंसर, द आइसक्रीम मैन फील्स कॉन्स विथ माउंट्स ऑफ आइसक्रीम इज अ जॉयफुल साइट, जो आइसक्रीम वाला है वो कॉन में ठंडी ठंडी आइसक्रीम डालता है, वो नज़ारा देखना बहुत ही आनंददायी होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वो फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन है जो आइसक्रीम मैन आइसक्रीम वाले को देख के बहुत ही खुश होता है? द चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम वाले को देख के बहुत ही खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, जो अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम के नाम लिखो जो आइसक्रीम वाला उसकी कार्ट में लेके आया है। तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट वेनिला, सेकंड चॉकलेट एंड थर्ड स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम वाला बेचता है? उसका आंसर आएगा द आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो आइसक्रीम वाला है वो आइसक्रीम और उसके साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स भी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम, जो आइसक्रीम की कार्ट है वो पोएम में किसके साथ कंपेयर की गई है, उसका कंपैरिजन किसके साथ राइटर ने किया था? तो उसका आंसर आएगा द आइसक्रीम मैन्स कार्ट इज लाइक अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, जो आइसक्रीम की कार्ट है वो शायद फ्लावर का बिस्तर होगा जो रोजेज से और मीठे मटर मटर से बना होगा। क्वेश्चन नाइन, व्हाई इज द आइसक्रीम कार्ट कॉल्ड अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, आइसक्रीम मैन के कार्ट को फ्लावर जो रोजेस से बना हुआ फ्लावर बेड
और स्वीट पीज क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर रहेगा द आइसक्रीम कार्ट इज कॉल्ड अ फ्लावर बेड ऑफ रोजीज एंड स्वीट पीज बिकॉज, देखो यहाँ से जो जब वाई से क्वेश्चन किया गया हो तो या वाई के बाद का पूरा क्वेश्चन है वैसे ही लिख देना है और उसके बाद बिकॉज लगा देना है, फिर हमें उसका आंसर लिखना है। तो उसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन गैदर राउंड द कार्ट लाइक हनी बीज, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कार्ट से ऐसे चिपके हुए हैं, उसके आसपास ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ हो। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी ओ डी इन द बॉक्स। उसमें है फर्स्ट, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन द डैश सीजन। आइसक्रीम है वो कौन सी सीजन में पॉपुलर है? ए ऑटम, बी समर, सी मॉनसून या फिर डी विंटर। तो उसका आंसर आएगा बी समर। सेकेंड क्वेश्चन, द आइसक्रीम मैन कम्स विद हिज डैश। ए कार्ट, बी बाइसिकल, सी वैन या फिर डी ट्रॉली। तो उसका आंसर आएगा ए कार्ट। जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी कार्ट के साथ आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द आइसक्रीम मैन फिल्स डैश विथ माउंट्स ऑफ आइसक्रीम। जो आइसक्रीम मैन है वो किसके साथ वो आइसक्रीम फिल करता है, किसमें वो आइसक्रीम फिल करता है? तो ए कप्स, बी बॉटल्स, सी कॉन्स या फिर डी ट्रॉली। तो उसका आंसर रहेगा सी कॉन्स। जो आइसक्रीम मैन है वो आइसक्रीम कॉन्स में फिल करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द आइसक्रीम मैन सेल्स डैश। आइसक्रीम मैन है वो क्या बेचता है? तो उसका आंसर आएगा ए आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, बी आइसक्रीम एंड केक्स, सी आइसक्रीम एंड स्नैक्स या फिर डी आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसका आंसर आएगा डी आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच फ्लेवर्स डज द आइसक्रीम मैन हैव। आइसक्रीम मैन के पास कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर्स है? तो ए वनीला, पाइनएप्पल एंड चॉकलेट या फिर बी वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी या फिर सी ऑरेंज, वनीला एंड पाइनएप्पल या फिर डी ऑरेंज, चॉकलेट एंड एप्पल। तो आइसक्रीम मैन के पास वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है। तो उसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द आइसक्रीम मैन्स कार्ट इज लाइक अ। जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है वो किसके जैसा है? तो उसका आंसर ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज या फिर बी बिहीव या फिर सी शॉप ऑफ स्वीट्स या फिर डी गार्डन। तो उसका आंसर आएगा ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज। सेवन, द चिल्ड्रन गैदर राउंड द कार्ट लाइक। जो बच्चे हैं वो कार्ट के आसपास ऐसे घेरा बनाए खड़े हुए या फिर ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि ए फ्लावर्स या फिर बी बीज या फिर सी बर्ड्स या फिर डी हनी बीज। किसके जैसे? तो उसका आंसर आएगा डी हनी बीज। क्वेश्चन नंबर एट, द डैश इज अ फेवरेट पर्सन इन समर। तो कौन है जो समर में लोगों का फेवरेट पर्सन है? तो उसका आंसर आएगा ए चॉकलेट मैन या फिर बी कॉफ़ी मैन या फिर सी आइसक्रीम मैन या फिर डी बलून मैन। तो इसका आंसर आएगा सी आइसक्रीम मैन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें पोएम में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है हीट, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा स्ट्रीट। ये पोएम में से दिए गए हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड दिया गया है उससे सेम साउंड करे, उसको बोलने से सेम साउंड हमें सुनाई दे। तो जैसे कि हीट
स्ट्रीट, सेकेंड साइट वाइट, थर्ड ड्रिंक पिंक, फोर पिंक तो ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो उसमें फर्स्ट है ब्लेस यानी कि ब्राइट फ्लेम और फायर जो गर्मी छोड़ता है, हीट फैलाता है उसको बोलते हैं। सेकेंड माउंड हीप पील यानी कि जो स्कूप होता है, आइसक्रीम मड होता है जिससे हम आइसक्रीम फील करते हैं वो चीज़। थर्ड चिली यानी कि रिलैक्स जो हमें आराम महसूस करवाए वो। फोर्थ टू क्लस्टर यानी कि गैदर राउंड, एक साथ झुंड में रहना। फिफ्थ राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। तो फर्स्ट है साइट, तो साइट कैसी है, जॉयफुल। कार्ट, कार्ट कैसा है, लिटल। थर्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसी है, राउंड।